दिलचस्प है। राजनीति में अक्सर आपने मिनी पाकिस्तान की चर्चा सुनी होगी ना, मिनी पाकिस्तान। बंगाल में भी एक नेता ने बयान दे दिया था, आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। सियासत में कई बार मिनी पाकिस्तान काफी ट्रेंड करने लगता है। अभी पिछले हफ्ते कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है। मिनी पाकिस्तान कई बार आपने सुना होगा, पॉलिटिकल जब बातचीत होती है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें मिनी पाकिस्तान कहकर कुछ लोग बुलाते हैं, लेकिन शायद आपने देश में बांग्लादेश या मिनी बांग्लादेश की चर्चा सुनी है कभी। लेकिन अब मुंबई में बांग्लादेश होने की खबर आई है, हैरान कर देने वाली खबर है। पूरा मामला काफी चौंकाने वाला है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर बयंदर इलाके में एक बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रख दिया गया। बड़ा विवाद हुआ इस खबर पर। बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रखने का काम किया गया है, नाम स्थानीय म्यूनिसिपल कोऑपरेशन ने, जिसके बाद इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी हुई कि मुंबई में बांग्लादेश कहां से आ गया भाई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में बांग्लादेश के विस्थापित लोग रहा करते थे, जिसके बाद यहां के लोग इस जगह को मजाक में बांग्लादेश बुलाने लगे। लेकिन बांग्लादेश वाला यह मजाक धीरे धीरे सरकारी पहचान पत्र में शामिल हो गया। सरकारी पहचान पत्र में, सोच रहे हैं आप, यहां रहने वाले लोगों के आधार कार्ड बिजली बिल में इस जगह का नाम बांग्लादेश लिखकर आने लगा, मुंबई में बांग्लादेश, जबकि सरकारी दस्तावेज में जगह का नाम इंदिरा नगर है। आखिर इंदिरा नगर बांग्लादेश, मतलब इस मजाक को सीरियसली ले लिया गया, इंदिरा नगर बांग्लादेश, इंदिरा नगर को बांग्लादेश बना, मतलब आखिर किसने बनाया, कौन है। इस पूरे विवाद का खुलासा तब हुआ जब पिछले हफ्ते बस स्टॉप के ऊपर बांग्लादेश रखा गया उसका नाम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने यह आई थी तस्वीरें, विरोध करते हुए बांग्लादेश के बोर्ड पर कालिक पोदी लोगों का आरोप है कि लोकल म्यूनिसिपल ने बगैर किसी सरकारी परमिशन के बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रख दिया। बड़ा सवाल यह कि आखिर स्थानीय लोगों के पहचान पत्र में जगह का नाम बांग्लादेश लिखकर आने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। स्थानीय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दलील है कि यह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन पहचान पत्र में बांग्लादेश का नाम कैसे आया इसकी पड़ताल की जा रही है। सौ बात की एक बार।